गुरु आठ। दीपिका जी कल बोल रही थी गुरु आठ, विंडो खुली इनकी। भाव सर 8 नंबर राशि के भाव भाव। ओके मेरी ऐसा गुरु, डॉटर का भी 8 में है गुरु। जी चेक करना, ऐसा गुरु रहस्य में होता है। गुरु आठ अपने आप में एक रहस्य में है, अंदर में कितने रहस्य होंगे उन्हीं को पता है, गुप्त ज्ञान होता है इनके पास। और गुप्त ज्ञान के प्रति झुकाव होता है। गुरु आठ जिस तरफ झुकाव पैदा करता है वो उसी व्यक्ति को पता होता है, रहस्य नहीं खुलता। गुरु आठ दीर्घायु बनाता है, लेकिन अकस्मात यानी कि ऑल ऑफ सडन दुर्घटना की आशंका भी देता है। आठवा गुरु आठ, आठवें का बृहस्पति, प्रतिभाशाली उदार रहस्यमय बनाता है। जातक को जीवन के प्रति मेहनत करनी पड़ती है। गुरु आठ अगर मजबूत है तो ये पिता दादा अपने मेल मेंबर्स के लिए दीर्घायु का कारक है, और जातक के खुद के लिए भी। गुरु आठ अगर बंदा है तो जातक बीमारियों से युक्त होगा। गुरु आठ उंदा है धार्मिक पुस्तकें, धर्म का गहरा ज्ञान प्राप्त करने का, डीप साइंसेस में जाएगा, सदाचारी होगा। गुरु आठ अगर अच्छा है तो जातक सादगी अपनाएगा और लाभ, लोग उससे लाभ भी प्राप्त करेंगे। और गुरु आठ कमजोर है, जातक जीवन में अपमान की, अपमान एक बार जरूर प्राप्त करेगा। आठवें भाव से जो सिक्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं वो जीवन में एक बार आगे जरूर आ जाती है अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो। ये रूल है, चाहे वैदिक में लगा लो, चाहे लाल किताब में लगाओ, चाहे किसी में लगाओ, एक रूल है ये। बृहस्पति इस घर में अच्छे परिणाम आमतौर पर नहीं देते, जातक को सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ईश्वर की सहायता मिलती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को गुरु आठ ईश्वर की सहायता देता है। धार्मिकता की तरफ जितना आगे बढ़ेगा उतना भाग्य बढ़ेगा, सदाचार जीवन के प्रति जितना झुकाव बढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। गुरु आठ अंदर में छुपा हुआ खजाना, अब वो खजाना किस रूप से इस्तेमाल करना है वो गुरु आठ वाला जानता है, अध्यात्म के प्रति या संसार के प्रति। ये गुरु आठ, गुरु आठ वाले व्यक्ति का जो झुकाव होता, लगाव होता है वो बाहर नहीं आता, वो बताता नहीं और शेयरिंग नहीं होती। ऐसे जातक को हिदायत दी जाती है कि सोना कम से कम पहने। जातक गोल्ड मेटल को कम से कम इस्तेमाल करें। गुरु के अपने 5 पक्के घर, 2, 5, 9, 11, 12। गुरु के अपने पक्के घर 2, 5, 9, 11, 12। दूसरा घर, पांचवा घर, नौवा घर, 11वां घर, 12वां घर में अगर बुध शुक्र राहु हो तो जातक के पिता बीमार होने की संभावना जातक रहेगी, और जातक को स्वयं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जातक के 8 वर्ष की आयु में घर के बुजुर्ग जीवित हैं तो ये गुरु आठ के
उमदा होने की एक निशानी है। गुरु आठ जातक को जल्दी जीवन नहीं छोड़ने देगा, लंबी आयु देगा। गुरु आठ बंदे की निशानी, पिता दादा अलग अलग होंगे, मुसीबत के समय परमात्मा याद आएगा, आप परमात्मा से मदद मिलेगी मुसीबत के समय। गुरु आठ, और ऐसा व्यक्ति अगर दानी हो, डोनेटर बन जाए, तो कहते हैं सोने की लंका भी दान कर सकता है। दैट काइंड ऑफ हाई लेवल ऑफ डोनेशन, गुरु आठ वाले को डोनेशन करनी चाहिए। जीवन में डोनेशन उनके लिए बहुत फायदेमंद है। दीन दुखियों की सहायता, गरीबों की सहायता, जरूरतमंद की सहायता, बीमार की सहायता जीवन को बदल देती है गुरु आठ के। मकान या दुकान शमशान के पास होना गुरु आठ के मंदिर की निशानी है। गुरु आठ वाले को हिदायत दी जाती है, वे इनके पास भेद बहुत होंगे, बट इनकी खुशहाली इसी में कि वो अपने भेद को अपने पास तक रखे, अपने भेद को जगत उजागर ना करे, क्योंकि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इनके भेद को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे पिता या पति हो या पत्नी हो। ऐसे जातक के घर में गुल्लक जरूर होती है, और गुल्लक होना गुरु आठ के उत्तम होने की निशानी है। अगर जातक के घर में गुल्लक है तो गुरु आठ उत्तम होने की निशानी है। अपना पैसा दोस्ती यारी में ना दें, फंस जाएगा गुरु आठ। वृद्ध साधु अध्यात्म आध्यात्मिकता पे ध्यान दें। राहु से संबंधित वस्तुएं, जो नारियल को पानी में बहाएं, मंदिर में घी आलू कपूर दान दें। भिखारी को अपने घर में से खाली हाथ ना जाने दें। गुरुवार का व्रत रखें, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। गले आदि में माला वगैरह ना पहने, और पहने तो सिर्फ पंचमुखी पहने, पंचमुखी मतलब रुद्राक्ष। अपने गले में सोने या पीले रंग का धागा ना पहने। आठ दिन तक मंदिर में 200 ग्राम चने की दाल दान करें। शमशान घाट के में शमशान घाट पे पीपल का पेड़ गुरु आठ का बहुत अच्छा उपाय है। और इन जनरल पीपल का पेड़ तो मैं कल बताया ही था, पीपल का पेड़ लगाना तो गुरु का वैसे ही बहुत अच्छा उपाय है। तीन दिन तक किसी मंदिर में 4 हल्दी के टुकड़े दान करें। अगर मेल है तो किसी महिला की वजह से बदनामी आ सकती है। तो ऐसे में थोड़े सावधानी बरतें। कच्चे सूत्र के सूती धागे को पीपल के चारों ओर हल्दी से पीरा करके लपेटें। कच्चा सूती धागा आता है ना, कच्चा सूती धागा, क्या बोलते हैं, सूत्र धागा, सूत्र ऐसा कुछ बोलते हैं, कच्चा सूती धागे को पीपल के पेड़ के चारों मतलब गोराई में लपेटे, पीला करके, हल्दी से पीला करके, यानी कि कटोरी में हल्दी लें, उसमें धागा डालें, रंग दें उसको, और उसके बाद पीपल के चारों तरफ लपेटें अगर ऐसी दिक्कत आ रही है। और सोना धारण करें तो शुद्ध धारण करें, इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। 24 कैरेट का खड़ा सोना पहने।